हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों, आपको मैं पढ़ा रहा था अलजेब्रा, जो कि बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपको सिखाया जा रहा था। लास्ट क्लास आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने लेटेस्ट पैटर्न के दो टाइप डिस्कस किए थे। नाउ आज हम लेटेस्ट पैटर्न का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे और वन टाइप ओल्ड पैटर्न का भी डिस्कस होगा। तो ध्यान देना सारे लोग, ये एज ए कॉन्सेप्ट है, इसको याद करो तो जीवन सुख में हर चीज कराया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बच्चा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है। यू नो वेरी वेल कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, अच्छे से जानते हो। आप एक चीज समझो, इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दो लिखा हुआ है तो एक इधर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। और प्यारे दोस्तों, यहां पर एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दो। अब जानने वाली बात क्या है उसको जानो, ये हमारे लिए एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, जो कि हमें अच्छे से आता है। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और बराबर एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब सारे दोस्तों एक बात याद रखना कि अब हमें ये फॉर्मूला तैयार करना है। ये फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू अब होती है, ये हमें याद रखना है। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और ब्रैकेट में सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। आई होप सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़े जल्दी से। चले अब दोस्तों इस पे आए हुए हम क्वेश्चन सीखेंगे और समझेंगे बहुत प्यार से। एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा और सिखाया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा होगी, जैसे 2018 मेंस में आया था 4.6 के होल पावर 4, 5.4 होल पावर 4, 24.84 होल स्क्वायर अपॉन 4.6 का होल स्क्वायर, 5.4 का होल स्क्वायर और 24.84। ऑप्शंस थे 24.42, 25.48, 24.24 और 25.42। दीज आर द ऑप्शंस। दोस्तों कैसे करेंगे इस पे चर्चा, पहले तो बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए क्या, कि ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, साथ ही में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये मैं देख लूं कि बोर्ड पे है कि गैप हो गया, बस है थोड़ा इसे बचा था। तो दोस्तों ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, जैसा ये चीज दिख रहा है कुछ वैसा ही अबव में, और जैसा ये दिख रहा है वैसा देखो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर, वैसा ही हर में। तो आप क्या करो कि आप यहां रिप्लेस कर देते हैं, ए की पावर 4 लिख देते हैं, बी की पावर 4 लिख देते हैं, ये इन दोनों का इंटू 6 को 24, 5 को 20 यही आएगा, मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का इंटू वही ए बी, भाग दोगे तो भाग देने पर हमें ये बचेगा, क्योंकि इससे भाग दे दिया तो हम जानते हैं तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का ए बी। अब एक चीज देखो, यहां पर भी प्रकाश सर कानपुर वाले शॉर्टकट ही बताएंगे, 4.6 का होल स्क्वायर, 5.4 का होल स्क्वायर और माइनस का 24.84। देखिए शॉर्टकट जो बच्चा जानना चाहता है वो ध्यान दे, 6 का स्क्वायर 36 तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, 5 का 4 का स्क्वायर 16 तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा और यहां पर 4 है, 12 में से 4 गया 8, मतलब यूनिट प्लेस में 8 सिर्फ इसी के है, यही आंसर है, मतलब 25.48। तो बहुत आसान तरीके से हमने आपको सिखा दिया है एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी वे में आपको सिखाया गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि नहीं तो 46 का स्क्वायर आपको याद होगा, 50 से 4 गया, 25 4 गया 21, 16 21 16 होता है 54, 54 का स्क्वायर 50 से 4 ज्यादा 25 4 29, 4 का 16 तो 29 16 घटाना है वो, तो 24.84 घटाना है। आप देखो 12 में से 4 गया 8 आया, 2 तो एक हासिल ले लिया, तो 12 में से 8 गया तो 4 आया, अब ये 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 आया, 1 2 से 2 गया 2, क्योंकि ये 2 जोड़ेंगे ये घटा देंगे, तो 25.48 इज द राइट आंसर। तो ये था कॉन्सेप्ट जो कि हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने क्या कहा अभी भी यहां से हम 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ाएंगे, मतलब जो बोला है वही करके दिखाएंगे, ये ध्यान रखना ठीक है, लोगों की तरीके नहीं कि 2 मिनट में खत्म कर दे अलजेब्रा, ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे कि आपका दिल क्या खुश हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इसे रफ किया जाता है, खुश करके ही भेजेंगे हर बच्चे को, बिल्कुल ध्यान देना एक एक चीजों को और समझ। क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आया हुआ एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 133 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर बराबर 7। तो हमसे कह रहा फाइंड एक्स वाई, एक्स वाई बताना है बच्चा। देखो प्रकाश कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, एक्स वाई चाहिए। एक चीज समझो, प्रकाश कॉन्सेप्ट इसको देखकर सिर्फ गार्डन हो जाता है कि बच्चा ये तो तुम जानत हो और ये जानत हो, तो एक हेयर अर्थ का होते इसका इनटू और कहे कि अब तो सिखा दिया ना, इसका इनटू दैट मींस 133। अरे बोलो हाँ या ना। अब साथ ही साथ देखो बच्चा, ये वैल्यू 7 दी गई तो ये 7 हो गया, तो क्या इस मतलब इसकी वैल्यू 7 हो गई, 7 से भाग दो तो 7 से ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, आप कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7 और 9 से 63 19 बार में जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर बराबर 19 और यू नो वहां दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 7। माता रानी कहती क्या है कि घटा दो, क्या कहती है घटा दो, घटाओगे तो ये हैप्पी बर्थडे ये हैप्पी बर्थडे ये दोनों जुड़ जाएंगे 2xy, 19 में 7 गया 12 तो एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो राइट आंसर क्या आएगा 6 आएगा। आराम से एक बार सारे बच्चे देख लो, कल को मुझे ये ना कहना कि सर हमने देखा नहीं था, आप तो इतना शॉर्टकट बता दिए, सर कैसे कर लेते हो, ऐसा बिल्कुल ना कहना। चले तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, वंस अगेन रिपीट कर देता हूं, इसका मतलब मैं जानता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और यहां इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई 133 हो जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इसकी वैल्यू 7 दी गई, ये हम जानते नहीं, तो बच्चा 7 से हमने भाग दे दिया 19 बार में गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 19 और ये वैल्यू यहां ले आए
दोनों को घटा दिया, 2xy = 12, xy = 6, सीखा जाता है। 2g मत बनो, ठीक है। ये वो तरीका है कि आपको कोई हिट एंड ट्रायल नहीं खेलना चाहिए। बाकी महान महान लोग हिट एंड ट्रायल भी बताएंगे और तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? अगर मैं एक वैल्यू 19 जगह 15 कर दूंगा ना, तो आप क्या सबकी वैल्यू रट के बैठोगे का? आएं? नहीं नहीं, तुम रट लोगे। एक और ट्राई करते हैं, x^4 y^4 x^2 y^2 = 481 एंड xy = 12। हमसे कह रहा है फाइंड, पता करना है x^2 - xy + y^2, ये हमें चाहिए। मैं खुद नहीं जानता कि कैसे करेंगे, तो एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले, क्योंकि खुद ही उनको नहीं मालूम कि करना क्या है। आप सोचो क्या ऐसा करें कि आंसर आ जाए। पहली बात तो ये आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसा करूं कि आंसर आ जाए। क्यों? हमको तो सिर्फ ये दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है, और हमें चाहिए x^2 - xy + y^2। चलो ट्राई करते हैं, 12 यही रख दो, x^4 + y^4, 12 रखोगे 144 उधर गया, तो 481 - 144। अच्छा, कैलकुलेशन एक मुद्दा बनेगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन एक मुद्दा बनेगा, तो जरा आप लोग सोचो। आपको देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम, और आप बताइए कि क्या और कैसे। क्या और कैसे? तो दोस्तों ये टफ होता जा रहा है, तो एक बार हिट एंड ट्रायल करके खेल लेते हैं, उससे समझते हैं क्या। अगर मैं 12 को ब्रेक कर दूं किसमें, 4 × 3 में, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है। एक बार रख के देखते हैं, 4 की पावर 4, 3 की पावर 3, और ये 12 का स्क्वायर 144। अगर ये आ जाता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो 4 का 2 = 56 हो जाएगा, 3 का 9 = 27 हो जाएगा, 144, 4 और 7 = 11, 3 की पावर 4, ओके, तो ये 81 हो जाएगा, 4 × 5 = 5, 5 × 6 = 11, 1 = 12, 12 × 5 = 17, 1 = 18 हासिल 1, 1, 2, 3, 4। मतलब हिट एंड ट्रायल से अगर हम 3 और 4 लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो गई, कि ये हो गया 4 का स्क्वायर 4 × 12, ये हो गया 3 का स्क्वायर। कहते हैं 16 - 12 + 9, कैलकुलेट कर लो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो 16 × 9 = 25, 12, 13 आंसर आएगा, 13। तो इसका आंसर आएगा 30। तो हमने यहां पर इसको देखा, थोड़ा एनालाइज किया, थोड़ी देर रुके रहे, और एक्स वाई को हमने ब्रेक कर दिया 4 × 3 और खेल गए, और हमने एक आंसर निकाल लिया, तो ये 13 आंसर आया। अब सोचो दोस्तों अब कैसे करें। देखो सीधी सी बात है, सोचना पड़ेगा, मैं चाहूं तो तुरंत कर दूं, आपको मजबूर कर रहा हूं मैं कि आप सोचो कैसे करें। कैसे करें? कि सिर्फ इतना ही दिया गया
आंसर निकालना है। देखो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है x की पावर 4, y की पावर 4 और 2 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, यस या नो? हम जानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें वैल्यू दी गई है क्या कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे तोड़ दो, इसके साथ ले लो और बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख दो, इसकी वैल्यू 481 दी गई है और ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया। दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। देखिए प्रकाश सर सिखाते हैं, 4 एक 5 हो गया, 8 4 12 एक 12 हो गया और 625, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 25। कितना आ गया? 25। दोस्तों कोई हवा नहीं होता, सिर्फ आपको अभ्यास करना होता है। ये 25 हो गया और 12 तो माइनस का 12, 13 आंसर। मैं चाहता तुरंत युद्ध स्तर पे कर देता, मैंने मजबूर किया आपको कि बच्चा आप कर सको, तो दो तरीके सिखा दिया, एक हिट एंड ट्रायल और एक कैलकुलेशन। याद करो स्टार्टिंग में ही सेशन को हमने यहीं से स्टार्ट किया था और आपको सिखाया था, तो बढ़िया से सीखो अच्छे से। तो दोस्तों इसे रफ करते हैं फिर आगे चलेंगे। कुछ नहीं, एक होल स्क्वायर किया और कैलकुलेट कर दिया। इस पे एक क्वेश्चन और खेल लेंगे, तो आप इसके बाद किरण पब्लिकेशन या कोई भी किताब उठाओ और ढूंढो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपसे बनना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूं आपसे बनना चाहिए। ले लेते हैं एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। मैं अलग अलग वैल्यू पे चर्चा कर दे रहा हूं, ये नहीं कि 2G तरीके। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर 3/16 कह रहा फाइंड एक्स प्लस वाई। अब ये हमें चाहिए, अब ये हमें चाहिए, तो फिर से मजबूर होंगे, पेशेंस रखना है। अब ये बटा आटा में, अब अगर हम हिट एंड ट्रायल दुनिया ट्रायल माने तो बटे में हमारे लिए बड़ा कष्टमय होता है। पहले देखो यहां पर हमें एक चीज की वैल्यू दे दी गई है, इससे आसान हो गया। क्यों? इसको बच्चा हम ब्रेक कर सकते हैं, दो इसके बेटे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई 21/256। बोलो हाँ। फिर देवताओं इसकी वैल्यू 3/16 दी गई, किसकी? प्लस वाले की, 3/16। 3 से ये 7 बार में, 16 से 16 में 7/16, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई 7/16। साथ ही साथ ये हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का एक्स वाई 3/16। मैं आपसे इस समाज से पूछना चाहता हूं, इस समाज से क्वेश्चन चाहता हूं कि बच्चा अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो आप खुद देखो, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 × 3 = 10, 10/16। 2 से गया 5 बार तो 5/16 आ गया, और यही 5/16 यहां रख दो, एक्स वाई निकाल लो तो 5/16 इन दोनों की वैल्यू है, तो 3/16 माइनस 5/16 तो एक्स वाई 2/16 माइनस का तो माइनस का 1/8, राइट। अब हमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई निकालो, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो यू नो वेरी वेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 5/16, ये यहां रख दो तो माइनस का 2/8। एक छोटा सा एलसीएम ले लो तो 16 ही ले लो, 5 में से 4 गया चला जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/16 1/4, फिर भी हम एक बार जरूर चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों एक अपार सफलता मिल गई, स्क्रीन पे भी देखें कुछ गैप तो नहीं हो गया, सिखाते सिखाते बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। हमारी बातों को एक बार फिर से सुनो,
कैलकुलेशन हम इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आपको आना चाहिए। ब्लैक कलर में क्वेश्चन दिखाया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 अपॉन 256 राइट, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 अपॉन 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, अब समझो पहला उद्देश्य क्या होगा, इसको ब्रेक कर लेंगे तो ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और 21 अपॉन 256। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी बच्चा। इसकी वैल्यू हमें गिवेन है 3/16, तो 3/16 रख दो तो 7/16 आया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई 7/16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई अभी निकाला है ये 3/16, दोनों को जोड़ा तो ये आया 5/16। अब ये 5/16 हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख दिया तो सीधे घटा दिया 3/16 माइनस 5/16 एक्स वाई बराबर माइनस 2/16 माइनस 1/8। हमें x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy खेल गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। चलिए तो इस टाइप का अगर आप कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो मुझे ये आशा है कि सारे के सारे बच्चे चुन चुन के सॉल्व कर लेंगे, चुन चुन के कर लेंगे। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, जितना अच्छे सीखोगे आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों एक चीज बताते हैं, हमने एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चर्चा कर चुके हैं, अच्छे से नोट्स बनवा चुके हैं, ध्यान देना अब एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगी, इस पे बहुत तेजी से बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, किताबों में इस कॉन्सेप्ट पे 50 से 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 से 100 क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन मिल जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आज ही उड़ा देंगे, ध्यान देना जबरदस्त मेरी तरफ से 3-स्टार कॉन्सेप्ट होने वाला है। पहले जानो कि कभी बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 कोई कह दे, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, तभी इनके वर्गों का योग 0 के बराबर होगा जब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 है, अन्यथा नहीं होगा। अब यहीं पर ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, एक फॉर्मूला होता है अभी तो याद करो, अभी प्रूफ भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के होता है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, तो बच्चा ये भी होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको इसी पे याद रखना होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे भी यहां पर है, सिखा देंगे अभी प्रूफ भी कर देंगे, ध्यान देना। साथ ही साथ आप एक छोटी सी बात समझो, जैसे कोई कहते एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर कहते 0 के बराबर, ये तभी पॉसिबल होगा जब x बराबर a और y बराबर b होगा, अन्यथा प्यारे दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी इसको देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चंस इन पे बेस्ड हम लोग करेंगे, वो भी बहुत युद्ध स्तर पे करेंगे, पहले सस्ते वाले एक साथ निपटा दें, किताबों में बहुत सारे हैं, फिर महंगे वाले निपटाएंगे। सस्ते वाले देखो, सस्ते वाले भी कह रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर z माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, और हमसे खुलेआम कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। जल्दी से ट्राई करो, सस्ते वाले बहुत तेजी से निपटाएंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर b प्लस 2 का होल स्क्वायर C प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, हमसे कह रहा फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 7c की वैल्यू बताओ, और a माइनस 3 का होल स्क्वायर b माइनस 4 का होल स्क्वायर c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0, और फाइंड अंडर रूट a प्लस b प्लस c। तो ये सस्ते वाले हैं दोस्तों, पहले आप लोग इनके आंसर बताओ।
ठीक है, तो तीनों सस्ते वाले क्वेश्चन को समझेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि वर्गों का योग शून्य के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब इनकी वैल्यू जीरो बराबर कर दो, मतलब यहां से x बराबर 3 मिलेगा, y बराबर 4 मिलेगा, z बराबर 5 मिलेगा। तो बच्चा 3, 4, 5 रख लेना, 5, 4, 9, 3, 12 आंसर। जैसे यहां पर देखा जाए इसमें तो तीनों के वर्गों का योग जीरो है, तो a माइनस 1 बराबर 0 मतलब a बराबर 1, b प्लस 2 बराबर 0 तो b बराबर माइनस 2, c प्लस 1 बराबर 0 तो c बराबर माइनस के 1। अब उठाकर रखना आपकी जिम्मेदारी, ये 2 हो गया, 2 × 6 हो गया, माइनस का 7, 8 में से 7 गया, 1 आया, ठीक है। सेम चीज यहां पर a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 4 मिलेगा, c बराबर 9, यहां रख दो 3, 4, 9 शायद 16 आएगा, 16 आएगा रूट में तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आसान चीजें हैं और अभी इस पे जो भी है उन्हें हम कराते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बताएंगे, आप टेंशन मत लेना, सेशन को इतना प्यारा बना देंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ, और अच्छे से सीखिए। अब इसी में कुछ फर्जी क्वेश्चन है तेजी से निपटा देते हैं, क्योंकि जिससे बच्चों को लगे कि पढ़ाया गया है। फाइन, तेजी से आप भी कीजिए, 3a प्लस बी प्लस 2c कर लो सॉल्व। फिर क्वेश्चन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो फाइंड करना है x स्क्वायर अपॉन 9, y स्क्वायर अपॉन 25 और z स्क्वायर अपॉन 16। जल्दी से सॉल्व कर लो सारे बच्चों, जल्दी से। एक और x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। इतने भर भर के आए हुए हैं और बच्चे करते ही नहीं है, तो जरा आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी सस्ते, फिर इसका एक और लेवल, इसी में लेवल वाइज होते हैं। देखो वर्गों का योग शून्य है, ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर माइनस का 1/3। कैसे? 3a प्लस 1 बराबर 0 तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस का 1/3, b बराबर 1 आएगा और c बराबर 3/2 आएगा। अब बच्चा ये तो आपको रखना है, तो यहां hw आप भैया इसको रख लेना, सीधी सी बात है। यहां देखो x बराबर 3 आएगा, y बराबर 5 आएगा, z बराबर 4 आएगा, यहां रख लो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आंसर 3 आएगा, बाकी कैलकुलेट कर लो। एच डब्ल्यू क्या करो, मैं मजबूर हूं, यहां से x बराबर 5, y बराबर 2, z बराबर 9 रख लेना एच डब्ल्यू। होमवर्क खुद से करना, ये चीज समझ गए, सब तो मैं ही कर दे रहा हूं, एक रख नहीं पा रहे हो तो आप 2G हो। हर एक चीज सिखाएंगे। अब इसी पर लेवल इसका 2 आता है, लेवल 2 इसका देखो, फिर 3 देखो, इस टाइप से सिखाया जाएगा। जबरदस्त लेवल 2 को पहले समझो, दो क्वेश्चन के माध्यम समझाएंगे, दो क्या, एक ही क्वेश्चन से आप सीख जाओगे कि वैल्यू दी जाती है, जैसे x बराबर 2015 दे दिया, y बराबर 2014 दे दिया एंड z बराबर 2013 दे दिया, ठीक है। और हमसे अब कह रहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों इसे कैलकुलेट करना होगा, ध्यान देना हमारी बातों को कितने प्यार से। बच्चा इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब ये नहीं कहते 2015 का स्क्वायर करो तो फिर तुम 2G हो, फिर अलजेब्रा क्या सीख रहे हो। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर देखा जाए कि 2015 और 2014 का अंतर क्या, 1 है, 1/2 दोनों का अंतर 1 का स्क्वायर, फिर y माइनस जेड दोनों का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, z माइनस एक्स,
तो दोनों का अंतर दो, दो का स्क्वायर चार, तो चार दो छह बटा दो तीन आंसर। कितने प्यार से कर दिया। अब आपके दो वैल्यू रख दो, अरे प्रभु इन दोनों का अंतर एक, एक का स्क्वायर एक, इन दोनों का अंतर एक, एक का स्क्वायर एक, इन दोनों का अंतर दो, दो का स्क्वायर चार, छह बटा दो तीन आंसर। तो ये इसका लेवल टू था। चलो एक आध और कराते हैं इस पे। जैसे x इज इक्वल टू 997, y इज इक्वल टू 998 एंड z इज इक्वल टू 999। अब हमसे कह रहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये हमें सॉल्व करना है। आप खुद देखो चीजों को बहुत अच्छे से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसको कैलकुलेट करना है बहुत आसान वे से। कि पहले हमें फॉर्मूला याद है कि 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब अंतर देखो, दोनों का अंतर एक, दोनों का अंतर एक, उसी हिसाब से खेल जाओ कि 1/2 एक, इसका अंतर भी एक, एक का स्क्वायर एक, और इसका अंतर दो, दो का स्क्वायर कितना, अरे दो का स्क्वायर चार, तो छह बटा दो, इसमें भी तीन ही आएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, बड़े प्यार और मक्खन तरीके से प्रकाश सर कानपुर वालों ने करा दिया है। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो सीख गए होगे आप। ध्यान देना प्यारे दोस्तों एक बात पे, क्या कि एक कॉन्सेप्ट है इसी का ही, सीधे आपको तैयार रखना है, मैं अभी प्रूव कर दे रहा हूं लगे हाथ। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, जो अभी बता रहे थे 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। और इसे आप तैयार कर लो कि ये वैल्यू बराबर दिस वन होती है, ठीक है। कैसे आता है इसका डेरिवेशन समझो। डेरिवेशन में क्या है, LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड, उसको खोलोगे तो यह आ ही जाएगा, हम इसी से इसको निकाल निकालते हैं। LHS में क्या, मैंने 1/2 लिखा तो पूरे में दो का गुणा कर दिया, मतलब 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस का 2xy 2yz एंड 2zx, ऐसा हमने कर दिया। आज प्रकाश सर की खोज के भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने एक खोज कर रखी है लेटेस्ट वर्जन में, वो भी सिखाएंगे, ठीक है, आज ही के सेशन में। अब इसमें क्या होता है, अपनी अपनी फैमिली को साथ दो, तो ये माइनस का 2xy तो इसकी फैमिली का मेंबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस का 2yz तो फैमिली का मेंबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, पेयर बना लो और होल स्क्वायर बनाने हैं, तो माइनस का 2zx तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और इसको कैलकुलेट करना है बच्चा, जब इसको कैलकुलेट करना है यू नो वेरी वेल 1/2 ये वैल्यू हो गई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके सामने मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना बड़े प्यार से मक्खन के साथ, ठीक है। चलिए एक एक चीज को पढ़ाएंगे, मैं रफ कर दे रहा हूं, मैंने बता दिया है, ठीक है। ध्यान देना इसी पर बच्चा एक और चीज आती है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसी का ही है, इसको याद रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दे दे। इसका अर्थ यही वाला था कि एक्स बराबर वाई के और वाई बराबर जेड होता है, इसका अर्थ अगर ऐसा दे दे। सर हम ना माने क्या बच्चा, इसको हम ये नहीं ले सकते, पहले आप बताइए, आप खुद बताइए 20 समाज में क्या नहीं लिख सकते। सर लिख सकते हो, जब लिख सकते हैं प्रकाश सर
तो इसका अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर थोड़ा स्पीड से रहेगा, z माइनस x का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब याद करो थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि वर्गों का योग अगर शून्य के बराबर है तो हर एक वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, मतलब इस x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का, जेड माइनस एक्स का। इसका अर्थ ये हुआ बच्चा कि इनके वर्गों का योग शून्य है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू x। तो यू नो दिस वन। तो इसपे भी कई क्वेश्चन आए, मेंस तक की क्वेश्चन इस पे पूछे गए, तो इस पे आए हुए दो तीन क्वेश्चन हम तेजी के साथ करा देते हैं। तेजी के साथ ये इसी का एक तरीके से लेवल थ्री था, लेवल फोर बहुत आता है, मतलब ये सारे आते हैं दोस्त, ये समझ लो। इसमें आया हुआ क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर, आप किताब खोलेंगे तो आपको दिखेगा ए बी बी सी सी ए, कई राय खुले आम फाइंड ए प्लस सी अपॉन बी बता दो। इसको देखकर आत्मा बोली कि तीनों बराबर होते हैं, जब बराबर होते हैं तो ए ए ए ए दो आंसर, इससे स्पीड भूल जाओ, दिया लेके टैलो, टीचर मूर्ख बनाए तो बातें अलग है। हाँ और क्या, जितनी तेज लिखा होती है रब कर दिया। अब ये क्वेश्चन 2015 मेंस का है जो बताने जा रहा हूं, 2015 मेंस में इसी का क्वेश्चन आया, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स राइट, और हमसे कहता है खुलेआम फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4, 7y की पावर 4, 5z की पावर 4 अपॉन 5x स्क्वायर y स्क्वायर 7y स्क्वायर z स्क्वायर 3z स्क्वायर और x स्क्वायर। इसकी वैल्यू चाहिए, जब इसकी वैल्यू चाहिए तो दोस्तों हम इसको देखकर ऊपर वाली हेडिंग को देखकर कि सीधे जान गए कि x बराबर y के और y बराबर किसके, z के। जब हम जान गए तो देखो ये भी ये सब हमारे लिए सेम हो गए, यहां से भी चार पावर, यहां से भी चार पावर, यहां से भी, तो ये जब सेम ही हो गए तो इनको काट दो। अब देखो 3, 7, 10, 5, 15 और नीचे भी 7, 5, 12, 3, 15 15 अपॉन 15 एक आंसर। ये था मेंस का क्वेश्चन जिसे ऐसे ही सॉल्व करा दिया गया है। अब वो घड़ी आ गई कि प्रकाश सर का एक जो लेटेस्ट मेथड आया है मार्केट में उसको सीखना, इसी पैटर्न पे आएगा, जबरदस्त तरीके से बताएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन इसमें मार्केट में है जो अभी पैटर्न बताया था, मतलब सारे टाइप लगा के। तो दोस्तों इसको सीखना, इसको पहले सीखना, फिर हम यही उड़ाना सिखा दे रहे हैं आपको और दिल खुश हो जाएगा। पहले सीखो फिर उड़ाना देखो कि कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। चाहे 2 लगाओ चाहे 2000 क्वेश्चन लगाओ, कहीं मेथड फेल हो जाए तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। समझो, पहले तो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जानू, ठीक है, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। पहले 2-4 क्वेश्चन के एक्चुअल बताते जाएंगे, फिर एकदम शॉर्टकट खेल जाएंगे। सब एक्चुअल क्या कहता है कि अपनी अपनी फैमिली को साथ लाओ, ए स्क्वायर तो इसका फैमिली मेंबर 2a है तो इधर आएगा तो माइनस का 2a, एक सीट छोड़ दो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, तो एक जगह बनती है। फिर अब ये बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस का 2b है तो इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा, एक जगह छोड़ दो। फिर देखो सी स्क्वायर है और यहां से देखो माइनस का 2c है तो इधर आएगा प्लस का 2c आएगा, एक जगह छोड़ दो और बराबर किसके जीरो कर दो। फिर बच्चा एक क्लास पूरा का पूरा सेशन लिया है हमने, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उस सेशन को, शायद 9 नंबर क्लास थी, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसे फर्स्ट पर्सन, इसे सेकंड पर्सन, इसे थर्ड पर्सन बोलते थे, याद करो थर्ड पर्सन की वैल्यू बताई थी सेकंड पर्सन का स्क्वायर अपॉन फोर फर्स्ट।
या नहीं याद आता तो ये याद आएगा c बराबर b स्क्वायर अपॉन 4a, याद कर लो। ठीक है, दिख रहा है कि गायब हो गया। अब माशाल्लाह, तो दोस्तों इसका यहां से, क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, दो का स्क्वायर बटा चार, यहां एक आएगा, दो का स्क्वायर चार बटा चार एक आएगा, यहां पर भी एक आएगा। ऑलरेडी ये तीन मेंटेन हो गया, जब ये मेंटेन हो गया तो ये आ गया a माइनस वन का होल स्क्वायर, b प्लस वन का होल स्क्वायर, c प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो आप खुद देखो, a बराबर वन के, b बराबर माइनस वन, c बराबर माइनस वन। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, a बराबर वन, b बराबर माइनस वन, c बराबर माइनस वन के। यहां रख दो, जब यहां आप रखोगे तो आप खुद देखो, दो एकम दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का फोर, एक आंसर आ जाएगा। बाकी रख लेना, दो ऐसे, माइनस का माइनस तो प्लस का तीन हो जाएगा, और माइनस चार, एक आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? चले दोस्तों शॉर्टकट, हाँ क्वेश्चन रफ कर दिया, कोई बात नहीं, शॉर्टकट बार बार बताएंगे, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता है बच्चों को, बार बार बताया जाएगा। अब देखो शॉर्टकट वाया प्रकाश चपल मेथड, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। ये चीज इधर ले आओ, ऐसे रहने दो, और ये तीन को इधर ले आओ, ऐसे। हमेशा याद रखना, यहां दो कॉमन होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये दो हमेशा आता है, ये माइंड में सेट कर लो। तो ये दो तो फिक्स है, मतलब बिना इसके कुछ नहीं, बस ये चीज समझ गए, उसके बाद कुछ नहीं करना। a के साथ किसका इंटू है? 1 का, a बराबर 1। b के साथ किसका इंटू है? माइनस वन का, तो b बराबर माइनस वन। c के साथ किसका है? माइनस का, तो c बराबर माइनस वन। एक चीज ध्यान देना, यहां तो ये कर लेना, फिर अगर यहां पर कोई वैल्यू हो तो बस उन्हीं वैल्यू का नीचे भाग दे देना है। तो अभी दिखाएंगे, आप चिंता मत करना, और ये इसमें रख दोगे वही आंसर आएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड आज का घोषित हो जाएगा। अभी लग रहा है हल्के में, थोड़ी देर देखो भारी में देंगे। जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, इस पैटर्न पे आग लगा दे पहले। लेटेस्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 96, 8 ए प्लस बी माइनस टू सी, फाइंड ए बी माइनस बी सी प्लस का सी ए। दोनों तरीके सिखाएंगे, ये हमें चाहिए, बस इस बार इसमें सिखाएंगे, इसके सारे डायरेक्ट मार के दिखाएंगे, समझो कि चेक कर लें, यहां अलग अलग वैल्यू है तो मजा आ जाए। ए स्क्वायर ऐसे रखा, एट ए अपनी फैमिली के ले आओ, माइनस का एट ए एक जगह छोड़ दो, बी स्क्वायर ऐसे रखा, एट बी माइनस का इधर हो जाएगा एक जगह छोड़ दो, सी स्क्वायर ऐसे रखा, आठ दूनी सोलह इधर आएगा प्लस का सोलह सी हो जाएगा एक जगह छोड़ दो बराबर जीरो लिख दो, ये अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ये वैल्यू जो निकालते हैं, सेकंड का स्क्वायर अपॉन फोर फर्स्ट, सेकंड आठ का स्क्वायर चौसठ बटा चार, क्योंकि यहां तो कुछ और नहीं है तो सोलह आएगा, आठ का चौसठ बटा चार सोलह ही आएगा, यहां तो सोलह सोलह गुणे सोलह बटा चार, चार से काट दो चौसठ, यहां चौसठ आएगा, चौसठ सोलह अस्सी, सोलह छियानवे। ऑलरेडी ये मेंटेन हो गया दोस्तों, जब ये मेंटेन हो गया जैसा कि आपको हमने
सिखा दिया है ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को। ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा a माइनस फोर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b माइनस फोर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी c प्लस एट का होल स्क्वायर बराबर जीरो। और अब यहां से देखो कि a बराबर चार आया, b बराबर चार आया और c बराबर माइनस आठ आया, वहां रख लेना। अभी समझो, अब अपना वाला तो ये पोर्शन तो यही है, यहां आ जाओ, चलो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो दूसरा बताते हैं डायरेक्ट वाला 96। बच्चा यहां दो होना चाहिए पर यहां क्या है आठ, तो दो रखो चार का अंदर गुणा कर दो, फोर ए फोर बी, चार का अंदर गया एट सी। प्रकाश हाईटेक मेथड, ए की वैल्यू क्या है चार है, बी की वैल्यू क्या है चार है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस आठ। आप देखो कोई मेहनत नहीं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू ही आएगी। इससे आसान दिया लेख के ढूंढो, तू जी टीचरों से पढ़ो वो तुम्हें बताते रहेंगे जीवन भर। चार चौकू सोलह ऐसे रख दो, बी और सी, बी और सी, आठ सौ बत्तीस माइनस माइनस प्लस, सी और ए, सी और ए, तो माइनस का बत्तीस, हैप्पी बर्थडे, चार आंसर आएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड एक लाइन में, वो भी आपको नोट भी नहीं करना, आप देखकर बता दोगे ए बी सी क्या आ रहा है। भाई दो यहां तो चार, ए के साथ चार, बी के साथ चार, और सी के साथ माइनस आठ, इससे भी आसान सीखोगे क्या? आए चले, खेल अभी तो चालू है, जो जो हो सकता है वो बताएंगे अभी का अभी। सोलह एक्स स्क्वायर, नाइन वाई स्क्वायर, फोर जेड स्क्वायर, चौबीस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस सिक्सटी वन, राइट। फाइंड एक्स वाई टू जेड, एक्स वाई टू जेड, जरा इसको आप लोग ट्राई करना। चलिए बच्चा, पहले जनरल से देखेंगे फिर शॉर्टकट भी देखेंगे। देखो 16x स्क्वायर है ऐसे रख दो, फैमिली का मेंबर 24x इधर आया तो माइनस का 24x हो गया, एक जगह छोड़ दो। 9y स्क्वायर ऐसे रखा, 9y स्क्वायर ऐसे रखा क्योंकि हम सिखाएंगे आपको, और माइनस का 24 तो इधर आएगा, प्लस का 24y एक जगह छोड़ दो। सेम चीज 4z स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस का 24z एक जगह छोड़ दो, बराबर जीरो। सेकंड का स्क्वायर अपॉन फोर वर्ष, सेकंड में ये है तो 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणे 24, 4 इंटू 16, चार से ये छह बार में गया, तीन आठ, आठ का 24 यहां 9 आएगा। सेम चीज 24 गुणे 24, 4 गुणे 9 36, मतलब 12 त्याए 12 दूनी 3 अट्ठे, 8 दूनी 16 आएगा। 24 गुणे 24 करके दिखाएंगे लोगों के तरीके नहीं बहकावे में, 6 6 36, 36 16 9, 36 16 52 9 61 61 ही है। ठीक है, चलिए एक एक चीज सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो बच्चों आप लोग बताया करो और रेटिंग दे दो प्रकाश अवस्थी ऐप की 5 स्टार, जिसे आप भी जीवन भर याद रखें आफ्टर सिलेक्शन कि प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने रेटिंग दी थी 5 स्टार, क्यों? इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट,
कोई सिखा दे तो बताओ, इतना सिखाएंगे अलजबरा कि आप खुद टीचर बन जाओगे। ठीक है, यहां देखो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां 3y प्लस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यहां 2z प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप खुद देखो, इसको तीनों के वर्गों का योग शून्य के बराबर है, मतलब x बराबर 3/4, x बराबर 3/4, y बराबर माइनस का 4/3, z बराबर 6/2। समाज के लोग 3 कहते हैं। अब बच्चा ये तो हो गया, अब प्रकाश सर शॉर्टकट मेथड, व्हाट अ मेथड, फिर से देखो वही इक्वेशन लिख दे रहे हैं। बस लिखते समय प्रकाश ने ध्यान दिया कि इसको 61 यहां लिख दिया, 24 प्रकाश ने पहले ही 24 को 24 लिखा है, तो दो ऐसे 12 का इंटू कर दिया, मतलब 12x 12y और 12z कर दिया। अब बच्चा देखो x के साथ क्या है 12 लिख दो, y के साथ क्या है -12, z के साथ क्या है 12, बट इन वैल्यू से डिवाइड करना है। क्यों, मैंने बताया था, अभी मैं स्क्रीन पे देखूंगा गैप तो नहीं हो गया, 12/16 दैट मीन 3/4 माइनस 12/9, देखो माइनस का 4/3, 4 से भाग दे दो, 12/4 3, हां या ना। अब बच्चा उठाकर अगर यहां नहीं रख पा रहे हो तो आपसे अच्छा तो है ही नहीं ना इस जन्म में। ठीक है, यह अलग देता हूं मैं, 3/4 मैंने 4/3, 2z है ना, तो ये तो 6 हो गया, तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 5 आएगा। स्क्रीन पे देखें, वाओ, ठीक है, खुशी मिली। तो अब हो गया, अब कह दो कि बार बार करो, अब सारे शॉर्टकट से ही बताए जाएंगे, सारे के सारे शॉर्टकट से ही बताए जाएंगे। हमने करके दिखा दिया, अलग वैल्यू सेम वैल्यू, जहां मुझे लगेगा तो वहां होगा, वरना सब अब शॉर्टकट से बताए जाएंगे, वैल्यू निकाल के धर देंगे, आप रखते रहना। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64c² (16c+3) 2a+b, राइट, कह रहा है 4a^7 (b^7) 8c² ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, 9a² 4b² c² 21 = 4, 3a+b -2c फाइंड करना है, 9a+4b माइनस का c, ट्राई करो। जल्दी से दोस्तों स्ट्रेटजी देखो, अच्छा मार्कर भूल ही गया, स्ट्रेटजी देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 64c² ऐसे रखा, 3 इधर ले आओ, 16 उधर आएगा, तो 2 पहले से कॉमन लो, a प्लस बी माइनस का 8c, आप देखो 2a 2b, ये 16 उधर गया था, 8 दुनी 16, क्योंकि प्रकाश सर तो खेलते हैं ना, देखा तो a बराबर 1 भाई, a के साथ 1, b के साथ 1, c के साथ माइनस 8, तो a के साथ 1 की पावर कुछ भी हो 4, 1 की पावर कुछ भी हो, अरे 1 की पावर कुछ भी हो 8c, तो माइनस 8 है, 8 माइनस 8 का स्क्वायर आप जानते हो, प्लस में हो जाएगा 8 का 64, चलो 8 का स्क्वायर, तो
ये 5 हो गया, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब 512, 517 आंसर, 517। यहां पर आए तो यहां देखा तो ये तो ऑलरेडी अब इधर ही है, यहां ओहो एक गड़बड़ हो गया, उसमें एक गड़बड़ हो गया, ध्यान देना ध्यान देना, एक गड़बड़ हो गया भाई। क्या यहां 64 सी वाला केस, 64 से भाग दोगे, 64 से भाग दोगे तो माइनस का 1/8 आएगा भाई, याद करो अभी तो सिखाया था कि यहां एबीसी होना चाहिए था, तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -8। अब रखो 4 + 1 8 है भाई, 8/64, 1/8, 5 सही 1/8, 5 सही 1/8, कर लेना कैलकुलेट, ध्यान दो 2 6a 2b 4c। आप देखो a के साथ क्या है 6, a 6 और ये क्या है 9, 6/9, b के साथ क्या है 2, यहां 4 से भाग दे दो, c के साथ क्या है -4, यहां 1 है कोई दिक्कत नहीं, अब उठा के रख दो। तो बच्चा जब रखोगे 9 × 1/3 क्योंकि 6/2/3, फिर 4 × 1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो कैलकुलेट लो 3 × 3 3 × 6 2 4 12 आंसर। तो हो गया, कोई दिक्कत है बताइए, वैसे तो हमने खुद ही सिखा दिया, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चल तो दोनों क्वेश्चन को मक्खन तरीके से करा दिया, अब इस टाइप का क्वेश्चन किताबों में ढूंढ लो और सिर्फ एक ही बात याद होगी, प्रकाश सर कानपुर वाले कैसे करा देते हैं, सर कैसे करा देते हैं, ध्यान देना थोड़े से अलग भी होंगे, 10x²y²(6xy)(2x + 1) = 0, इसमें ही लगेगा क्योंकि यहां दो वेरिएबल एक साथ है, ठीक है। 3x + 4y हमसे पूछा गया तो इस पे भी हम प्रैक्टिस करा देंगे और आपको एक ही साथ सिखा देंगे, आप सीख जाओगे, मतलब सीख गए, सीख जाओगे नहीं सीख गए। यहां देखो 2x है, उठा लो 2x है तो एक x स्क्वायर होना चाहिए और फिर एक 1 भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप खुद ही देखो ना कॉमन सेंस की बात, बच्चा यहां 2x है, बोलो हाँ, तो ये क्या x + 1 का होल स्क्वायर तो बनेगा x² + 1 x² + 1 का स्क्वायर + 2x, राइट, सेम चीज। अब यहां देखो एक ले लिया तो बचे 9x² y² पड़ोस में 6xy, तो आप खुद देखो ये हो गया 3x + y का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab, और ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब x = -1 और 3x = -ky, मतलब y की वैल्यू माइनस का 3x रख दो तो y = 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस रख दो तो ये माइनस का 3 हो गया और ये 4 × 3 = 12, 9 उत्तर हमारा, 9 उत्तर हमारा, 4 × 3 = 12, 9 उत्तर हमारा। चलिए सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन खेलते हैं, सेम पैटर्न का सीखेंगे मगर प्यार से। (8x²+y²)(12x - 4xy+9) = 0, 14x - 5y - 5y। अब बच्चा इसको सॉल्व करने की बारी आ गई, आप चीजों को समझो, माइनस का 12x मिल गया, 12 ठीक है, 12x है माइनस का, डरना नहीं,
ना 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 बारह और माइनस का चार एक्स वाई। यहां देखो वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो समझ में यहां आ रहा है कि जो यहां वैल्यू होगी वो फोर एक्स स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। अब ये बारह तो प्लस का नौ इधर ले आओ और चार यहां तोड़ दो बराबर जीरो के। अब इतना तो कॉमन सेंस है कि आपको लगाना पड़ेगा ये वैल्यू हो गई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सेम चीज 2x y का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab दोनों के वर्गों का स्क्वायर अगर जीरो होगा, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 3 बाई टू, क्योंकि ये भी जीरो होना चाहिए, और 2x बराबर y। तो रख दो भाई, आई थिंक सो y बराबर 3, जस्ट डबल है y बिलू डबल है, यहां रखो। तो 14 ऐसे 3 बड़ा 2 और 5 गुड़ा 3, 2 से 7 बार, 7 है 21 माइनस 15 सर 6 आएगा, 21 माइनस 15 6। तो दोस्तों खुशी तो मिल गई होगी, अरे बोलो हां या ना। चलिए अभी और बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, a प्लस बी माइनस सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए माइनस एट का होल स्क्वायर, c प्लस ए माइनस बी माइनस पांच का होल स्क्वायर बराबर जीरो। फाइंड अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, ये हमें निकालना है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो कितने प्यार से, अरे भाई तीनों के वर्गों का स्क्वायर बराबर जीरो, दैट मींस क्या आया a प्लस बी माइनस सी, ये उधर गया तीन हो गया। अरे ये जीरो जीरो के बराबर करोगे कि नहीं करोगे? हाँ नहीं करोगे सर? करेंगे दोस्तों। ये हो गया, अब इनको जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल, ए बी सी सम ऑफ ए बी सी, आठ पांच तेरह तीन, तेरह तीन कितना होता है 16, तो रूट 16 चार आंसर, रूट 16 चार आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है? तो कितने प्यार से, कितने सारे क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन बच्चों को सिखा रहे हैं। यहां टीचर ऐसा मिल गया आपको, लिखवाता ही चला रहा, पसीने से लथपथ है वो, आप भी समझ रहे हो मेरी कंडीशन क्या हो गई है, फिर भी पढ़ाएंगे क्योंकि काम ही है क्या, पढ़ाना और सिखाना, तो पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज हम आपको सिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करो, सोचो समझो सॉल्व करो, ध्यान देना। आधे बच्चे सदमे में चले गए होंगे, सर क्या है
अरे ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर ये तो है ही है, यहां बना लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर टू ए बी, तो ये इधर आया तो माइनस का टू ए बी है, चलो ठीक है, फिर माइनस टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो यहां बनेगा। यहां देखो एक चीज, किसको निगेटिव लेने, ए को निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि बी पॉजिटिव चल रहा है, ए को निगेटिव ले लो, ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। अभी देख लेते हैं, अगर मैं ए को निगेटिव ले लू तो टू ए बी, ठीक है, हाँ ए को निगेटिव लो, आप खुद ही देखना, अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा भाई, आप जानते हो ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी टू बी सी टू सी ए वाला, और देखा जाए ए प्लस बी ये जीरो के बराबर, ए प्लस बी बराबर छह, यहां देखोगे तो ए प्लस बी प्लस वन बराबर जीरो, मतलब ए माइनस बी उधर गया बराबर वन। अब इसे कैलकुलेट करना है तो बी बी कैंसिल कर दो, टू ए इज इक्वल टू सेवन, ए इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव, ए इज इक्वल टू 3.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब इतने सारे क्वेश्चन का अभ्यास करा दिया है, कुछ कहने को नहीं, कुछ कहने को नहीं, तो अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों अच्छा लग रहा है, एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद अंत कर देते हैं, फिर बाद में कभी इच्छा होगी तो रिवीजन के तौर पे दो चार क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो ये वाला भी टाइप आज कंप्लीट कर डाला मैंने, एक क्वेश्चन करा देता हूं और, ये क्वेश्चन और करना है, जल्दी से समझो बच्चा, इसमें देखो ये 2x है तो 2x रख लो, तो एक एक्स स्क्वायर होगा प्लस वन होगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो होगा, आप खुद देखो ये वैल्यू बन गई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जीरो, तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर माइनस वन और वाई बराबर जीरो, सीधी सी बात है माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस वन और ये जीरो, आंसर आएगा माइनस का वन, क्या आएगा माइनस का वन आंसर आएगा, ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग समझ गए होगे। तो दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइए मुझे, बहुत प्यार से बहुत स्मूथली 11वां घंटा चल रहा है हमारे सिलेबस का, 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो बात की बात है, मेंस के करा रखे हैं हमने, उसके बाद हमारे 11 घंटे चल चुके हैं, अभी 10 घंटे के आसपास और पढ़ाएंगे, दुनिया भर के काले जादू दुनिया जादू सब सिखा डालेंगे, बस पेशेंस बना के रखना। तो आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत।